आज स्क्रीनिंग है और जितना हम लोगों ने जो 2014-15 से इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं आज फाइनली सब देख रहे हैं। और आज जो 2014 से इन लोगों ने स्क्रिप्ट पे काम किया, 2015 में मैंने ज्वाइन किया इनको और 2016 उसके बाद में मैंने किया। इन्होंने किया, आप 17 में हम सब मिलके आपके साथ फिल्म को लेकर आए हैं। बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, मतलब अंदर उथल पुथल मची है और मतलब समझ भी नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मतलब मैं मुझे लग रहा है कि आज आज मेरे भी पीरियड आ जाएंगे ऐसा लग रहा है। तो लड़कों के भी पीरियड आएंगे, ये बात आप पीएमएस तो हम भी कर सकते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल स्ट्रेस जो है मर्दों को भी हो सकता है। ये प्री मूवी स्ट्रेस तो पीएमएस हो गया आज, पीएमएस ये पीएमएस के सारे मर्द, ये तो आज से मैं रोज बोलेंगे राइट। बिल्कुल बहुत अच्छा होती है प्री मूवी स्ट्रेस। ज्योति जी आप बताइए, क्योंकि अब दो ही दिन और बाकी रह गया पर ये है कि हाँ मतलब एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा है यार। आई होप कि लोगों को पसंद आया, मतलब बड़े दिल से बनाई है पिक्चर एंड बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है, आई होप पहुँचे और प्यारा लगे। या मेरी फैमिली में मेरे मॉम हैं और वो रहते बहुत दूर हैं, लेकिन वो चंडीगढ़ में फिल्म लग रही है तो वो ऑब्वियसली चंडीगढ़ ज़रूर जा रहे हैं 16 तारीख को और वो फिल्म देख के आ रहे हैं। हाँ वो आसपास की सारी आंटियाँ वंटियाँ होती हैं, सबको लेके जा रहे हैं। जी जी नहीं, हर चीज़ को हम पॉजिटिवली लेंगे क्योंकि अब हमने तो बना दी अपनी चीज़, सबको पसंद आती है। अब मेन जो है वो जो जिन लोगों को दिखा रहे हैं, जिनके लिए स्क्रीनिंग्स रखी हैं, अब उन्हीं से असली ऑडियंस तो वही हमारी। सर हमने प्रोड्यूस किए हैं, आप प्रोड्यूसर हैं और किस तरीके से पिक्चर को देखते हैं और कितना शुक्रगुजार करते हैं लोगों का, कैसा वर्क एक्सपीरियंस रहा आपका? मैं शुक्रगुजार तो इन सबका बहुत हूँ, क्योंकि एक प्रोड्यूसर अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लेन कर सकता है, बाकी डायरेक्टर पर डिपेंड करता है वो कैसे दिखाए उसको, एक्ट्रेस पर डिपेंड करता है कैसे एक्ट करे। तो यस, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इन लोगों ने सब ने बहुत अच्छा काम किया, आई एम हैप्पी। बाकी लेट्स सी के ऑडियंस को कैसा पसंद आता है, बाय द एंड ऑफ इट वही क्या कहते हैं, जनता जनार्दन राइट, वही वही भगवान है, वही भगवान है वो हमारा दर्द समझे और जाके थोड़ा हेल्प करे हमें। जब आएंगे आपको पता लग जाएगा, ज़्यादा देर नहीं रहेगी ये, बस और आधा पौना घंटा। वैसे फ्रेंड्स ही हैं ज़्यादातर जो आ रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। पसंद आई, मैं मतलब बिना एक्सपेक्टेशन के गया था कि क्या, सॉरी आपको नहीं, ओके फिर से करते पूछ लीजिए। हाँ तो फिल्म तो मुझे बहुत मतलब मज़ेदार लगा और बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और शुरू में जब मैं पढ़ा कि ये इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू स्टोरीज है, विच इज़ अमेजिंग, इट्स अ मूविंग फील गुड फिल्म एंड लॉट ऑफ इंस्पिरेशन टू टेक फ्रॉम द फिल्म। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये जो हमारे देश तो वैसे भी यू नो 80% ऑफ द पीपल इन दिस कंट्री आर फ्रॉम विलेज, और वहाँ मुझे भी पता है मैं गांव से मतलब यू नो गांव छोटा जब था मैं गांव में रहा हूँ, तो ये जो चीज़ें दिखाई गई है जिस बारे में बात किया जा रहा है पीरियड्स को लेके, जितना छुपा लोग अंधविश्वास में भी हैं और छुपाते भी हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा और मैसेज देगा लोगों को, और आई लाइक द फिल्म, एंजॉय। What was the highlight of the film? See, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे जो इंटरेस्टिंग लगी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो यू नो मोस्ट ऑफ द कंट्री के जो पॉपुलेशन है उनके उनको बताया जा रहा है, बट फॉर अ सेकेंड इन द फिल्म, थ्रू आउट द फिल्म, व्हेन यू आर वॉचिंग द फिल्म, यू
नेवर रियलाइज दैट द मैसेज इज प्रिची एंड इट्स ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई मतलब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्री है. यू एन्जॉय द फिल्म थ्रू आउट एंड यू नो आप जब हाँ और बाहर जब आते हो तो आपको रियलाइज होता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज और बहुत यू नो इम्पॉर्टेंट चीज़ लोगों को एजुकेट कर रहा है. थैंक यू. थैंक यू.